मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, तहसीलदार नेवासा हूँ। हमारा गांव का नाम है सिंगवे तुकाई और डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर। कैसा लगा सर अयोध्या? पहली बार आए हैं कि आते ही रहते हैं? पहली बार अयोध्या में आया मैं, तो एकदम बहुत सूरज दिखे, अयोध्या लखलकात दिखी। कैसा लग रहा है सर? झगमगा के देखे, कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया हुआ जी। दीप उत्सव वगैरह आप टीवी में देखे हैं? हाँ, दीप उत्सव तो टीवी में देखा है मैंने, बहुत ही दिल लग रहा है, बहुत ही दिल बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा महसूस कर रहे थे गांव में जब टीवी देख रहे थे? तो टीवी में देखते तो खूब आनंद आता है, आनंद आया, हृदय में भर भर आता है जी। राम जी का नाम ख्याल में आता है, जब राम जय श्री राम जय श्री राम ऐसा हम बोलते थे टीवी पे भी जी। और क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? आप पहली बार अयोध्या आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर, मैं अयोध्या पूरा अयोध्या घूम के आया, मैं पैदल घूमा मैं। अभी भांति सुंदर धाम 22 जनवरी 2024 को पवित्र पावन राम जन्मभूमि आ रहा है। सभी भारत वर्ष के प्रभु श्री राम जी के भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई शुभकामनाएं पहुँचे। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह टाइम्स हर दिन आपको जगाने का कार्य करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है ठंड भयानक हो रहा है और कोहरा अत्यधिक पड़ रहा है, और रोड सड़क पर कोई भी यदि आप ड्राइवर हैं, वाहन चालक हैं, आप छोटे गाड़ी मोटर साइकिल कुछ भी आप चला रहे हैं और रोड पर चल रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक से चलिएगा जनाब, क्योंकि इस वक्त ठंड अत्यधिक है और पहन ओढ़ कर चलना चाहिए। और कोहरा से सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप अपनी वाहन गाड़ी मोटर कहीं चाय की दुकान पर आप खड़ी कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो आए दिन आने वाले सामने से गाड़ी टक्कर मार सकता है और यह दुर्घटना ग्रस्त कोहरे में हो सकता है। इसलिए आप सभी देशवासियों से खास अपील है कि यदि आप हाईवे पर किसी भी छोटे या किसी भी सड़क पर आप चल रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में कोहरा पड़ रहा है, घर बार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है और ठंड भयानक इस वक्त है भी, तो आप सावधानी से चलें, धीरे से चलें, क्योंकि इस वक्त दिन रात जो है कोहरा अत्यधिक मात्रा में पड़ रहा है, भयानक ठंड पड़ रही है। तो हम सभी को वहीं पर प्रत्येक व्यक्ति को अलर्ट और सावधान करती है। तो आप यदि कहीं यात्रा बना रहे हैं देश प्रदेश या कहीं रिश्तेदार या कहीं पर भी आप जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो भयानक ठंड से आप इसे बचिए और अत्यधिक मात्रा में कपड़ा आप मोटे गर्म कपड़े शॉल आदि लेकर चलें, और किसी भी तरह से जो है असुविधा आपको ना हो, ताकि आप यात्रा करते समय आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप किसी तरह से आप असुविधाजनक की महसूस या अस्वस्थ न रहें। तो आप सभी आम जनता से खास अपील है कि यदि आप सड़क मार्ग से या कार या कुछ भी आप चला रहे हैं, तो आप सावधानी बरतें। कोहरा भयानक है और ठंड भी भयानक है, और विभिन्न तरह की जो है हम सभी को जो है बुखार आदि जुखाम का शिकायत हो सकता है। इसे आप सभी लोग बचें और अत्यधिक मात्रा में आप कपड़े पहने, और जो है अत्यधिक आप चल रहे हैं तो आप एक दूसरे व्यक्ति को भी सावधान करें, और जहाँ तक हो यदि सुख सुविधा हो तो उसे आप जरूर से जरूर उसे आप सहायता मदद करें। यदि गरीब है तो उसे आप गर्म कपड़ा वगैरह दे दें, जिससे कि वह बच सके और सही उम्मीदों के साथ आपकी भावनाओं का कद्र करे। तो इस वक्त अचानक जो है भयानक ठंड और कोहरा पड़ रहा है, दिन प्रतिदिन पड़ रही है, बस चालक हैं, ट्रक हैं या कार हैं, कुछ भी आप चला रहे हैं, तो आप सड़क हाईवे मार्ग आप अपनी सावधानी खुद रख सकते हैं, और
जो है किसी दुर्घटना से बचने के लिए विशेष कदम आप खुद उठा सकते हैं। तो आप जागरूक बने और यह भारत की जनता जागरूक है, और जागरूकता के साथ साथ यदि आज सुबह टाइम्स की वीडियो आप देख रहे हैं तो जरूर से ज़रूर आप इसे पालन करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जिस तरह से आपको ड्राइविंग के समय जो है बताया जाता है, समझाया जाता है, उस रूट पर आप रहें। यदि आप ठंड अधिक पड़ रहा है तो आप गर्म कपड़े स्वेटर जरूर पहने, और आपके पास ज़्यादा हो गया है और तो आप किसी गरीब व्यक्ति को भी स्वेटर और जैकेट वगैरह आप सहायता उसका कर सकते हैं, और सहायता करना चाहिए क्योंकि ठंड का मौसम है, विकराल ठंड पड़ रही है, कोहरा भी विकराल पड़ रही है। तो आप सभी लोग सावधानी जरूर रखें, आप अपने जान माल का विशेष ख्याल रखें, आप स्वस्थ रहें यही कामना है, और आप एक दूसरे व्यक्ति का विशेष ख्याल रखें। इस वक्त उत्तरी भारत में भयानक ठंड और कोहरा देखने को मिल रही है, जो आम जनता बेहाल है। आप जो है सुबह उठते हैं तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो इस समय कड़ाके की ठंड सुबह से लेकर शाम तक देखने को मिल रही है। गाड़ी मोटर भी देखा गया है कि कोहरे में अत्यधिक मात्रा में चल रही है, लेकिन आप कोहरा अधिक पड़ रहा है तो तेज़ गाड़ी ना चलाएं, आप अपनी डीपर गाड़ी इसका सभी जला कर रखें, और जो है कि आप जो है किसी तरह से आप एक दूसरे का भी ख्याल करें क्योंकि ठंड है, और ठंड में कोई भी यदि गाड़ी मोटर चला रहा है तो छोटी मोटी जैसे कार स्कूटर आदि, तो आप भी ख्याल करें क्योंकि आगे जो है कोहरा अत्यधिक है, ठंड अत्यधिक है, तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल आप जो है अपनी गाड़ी वाहन कुछ भी आप चला रहे हैं तो खड़ी कर दें, कहीं चाय की दुकान है वहाँ खड़ी कर दें, रेस्टोरा है वहाँ खड़ी कर दें, या मैदान है तो आप कहीं साइड में खड़ी कर दें, और अपनी गाड़ी जो है बीच रोड पर ना खड़ी करें क्योंकि आने जाने वाले लोगों को भी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।